अल्लाहु अकबर, ये तो आग लगी पड़ी है यार। वालेकुम अस्सलाम, जंगल में आग लगी पड़ी है यार, मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ कच्चा पक्का नहीं है। अरे भाई ये मारा पलटी। मैं दुबई जा रहा हूँ। दुबई जा रहे सबके पैसे देने के तुम लिए। तुम पहले गोंडा चिल्ला तो जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है आसिफ शेख ब्लॉग में। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज ना मैं जा रहा हूँ जंगल में रील शॉर्ट नाथ की इस्लामिक रील वीडियो बनाने के लिए, और आज मेरे काम की छुट्टी भी है। ठीक है, तो मैं बोला चलो चलते हैं, जाकर बना के आते हैं जंगल में। अकेले और कोई है नहीं साथ में, बस ये चल गया पूरा। अरे माँ कसम, ये क्या मसला है, कौन लगाया यार ये? अल्लाह अकबर, ये तो आग लगी पड़ी है यार। वालेकुम अस्सलाम, जंगल में आग लगी पड़ी है यार, मैं वीडियो बनाऊंगा। वाशमिन विशमिन आएंगे तो, अरे इधर पे घास ही रहती ना, गुलाम भाई से बात कर रहा हूँ, वो घास ही रहती ना यार जंगल में, तो पता नहीं किसने जला के चले गए वही पूरा। वो कहाँ हो तुम? अरे अपने इधर जंगल में। कहाँ पे? अम्बोईवाड़ी जा रहे, घर पे जा रहे अभी। ओहो भाई साहब, पूरा धुआं धुआं। चलो भाई साहब, बहुत खतरनाक आग लग गई है जंगल में। अल्लाह अकबर, कौन लगा था यार? नहीं लगाया करे जंगल में आग, ऐसे जानवर वगैरह रहते हैं बेचारे, वो लोग मर जाएंगे। तो कैसे धुआं निकल रहा, अपन आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इस बाजू भी किसी ने आग लगा। ओहो बाप रे बाप, मसला हो गया यार, क्या धुआं निकल रहा है। अरे माँ कसम, और सामने मेला भी है, अपन और आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आज आप लोग जंगल का ब्लॉग एंजॉय करो मेरे। तो यहाँ पर गाइस इस्लामिक नाथ की रील बना रहा हूँ माशाल्लाह। अकेला यार, कोई साथ में रहता ना बहुत मज़ा आती थी कैमरा वगैरह पकड़ने के लिए, लेकिन इतना सुबह सुबह साथ में कौन आएगा मेरे, तो इसलिए अकेले ही बना रहा हूँ मैं। तो अभी मैं आ गया हूँ, देखो ये टावर है ना, इसके पास आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम मस्त माशाल्लाह अच्छा बैठने की जगह है, और अपना अंधेरा भी है थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर धूप थी, तो इसलिए वहाँ से यहाँ पर आ गया हूँ। तो चले हाँ, बनाते हैं इस पर थोड़ी बहुत रील और फिर चलते हैं घर पे। माशाल्लाह बना रही है। हाँ हाँ, वीडियो वगैरह बना रहा है। सोशल है आपका? हाँ, यूट्यूब पे चैनल है ना, 23,000। अरे क्या बात है यार, यूट्यूब पे माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? तो चले भाई, 3 से 4 रील बना के हो गई। अकेला होना तो इतनी मज़ा नहीं आ रही है, और माशाल्लाह एक इस्लामी भाई मिल गए थे मुझे जंगल में, तो उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे सीखने को मिली, हम लोग दोनों ने बहुत सी बातें की है, समझ लो कम से कम ना आधे घंटे तक, हम आधे घंटे से ज़्यादा तक बात की हम लोग ने माशाल्लाह। बहुत मज़ा आई दीन इस्लाम की बातें करके उनसे। और चलिए अब चलते हैं घर पे और देखते हैं कि सालेहा फ़ातिमा क्या कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, आग ना बुझ चुकी है अभी पूरा, ये जो याला रहता है सूखा सूखा घास, तो ये स्वीप जली है, इस साइड की तो पहले से बुझी हुई थी और आगे की अभी बुझ गई है। चलिए और आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखो पूरी बुझ गई है। पर आग कौन लगाया रहेगा यार, देखो बुझ गई सब, पूरी आग बुझ गई। अल्लाह का शुक्र है कि बुझ गई है, वरना यह आग ना अगर एक बार लगती है ना तो जलते ही रहती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बुझ गई है माशाल्लाह। तो मैं आ गया हूँ घर पे, और गाइस मैं आप लोगों को बताना भूल गया, सुबह में ना हम लोग का बाटला ख़त्म हो गया था 9 बजे, तो मैं शफीक भाई के घर से बाटला लेकर आया, खाली बाटला यहाँ पर रखा हुआ है। फिर बुकिंग किया मैंने, तो पता नहीं कब आएगा, आज आएगा कल आएगा मालूम नहीं, कभी भी आएगा। तो जब आएगा तो मैं शफीक भाई को जाके दे दूँगा। और क्या बोलते, चलो क्या कर रहे, कपड़े धोने जा रहे हैं? तो सालेहा जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए, यहाँ पर मेरा रहमान बाबू सो गया, वहाँ पर फातिमा सालेहा जी वहाँ पर कपड़े धो रहे हैं। और एक ना पूरा ड्रम का पानी ख़त्म हो गया ना, तो गाइस तो क्या बोलते, अपना ड्रम बहुत गंदा हो गया था ना, तो इसको धो देते हैं हाथों हाथ लगेज। और वहाँ देखो बाप रे बाप, आगे नहीं दिखा सकता आप लोगों को ड्रम के नीचे की गंदगी। फातिमा कितना बड़ा, कितना सारा है वहाँ पर कचरा। हाँ देखो ना, क्या करते हैं अभी, कौन साफ करेगा वो? बाल्टी। कौन करेगा साफ, कौन करेगा? अम्मी। कौन करेगा? अम्मी जी करेंगे। हाँ। अल्लाह, तो चलिए गाइस अभी हो गई है जोहर की अजान, जाते हैं नमाज पढ़कर आते हैं मस्जिद में। दाखिल होने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा बरकतुह नवीतु सुन्नतल इतिकाफ। अस्सलाम वालेकुम, तो जस्ट अभी आ गया जहर की नमाज़ पढ़ के, और सालेहा ने कल दाल चावल और अपना सूखा अंडा बनाए थे, तो अंडे तो ख़त्म हो गए, तो चलिए मन्नी भाई की दुकान से लेकर आते हैं अंडे। बेगम साहिबा आ गया मैं अंडे लेके,
क्या बोलते अपना सोलह अरहान को खाना खिला रहे हैं गाइस, और अंडा ना मैं तलूंगा ठीक है। और क्योंकि हमारी मैडम ना भाई, हमारी मैडम के हाथों में इतनी बरकत है माशाल्लाह कि तेल इतना सारा गिर जाता है इनका अंडा तलने के टाइम, तो इसी वजह से आज मैं अंडा तलूंगा ठीक है अब्बा। और देखिए अब्बा को, अब्बा क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम चंदा मामा बन गया। मट्टी थी, मट्टी कचरा। अच्छा, निकली कितनी मट्टी निकली? बहुत निकली, सही में ब्लेड खराब हो गया। अरे माँ कसम, ब्लेड का धार मुड़ गया। क्या बात कर रहे? हाँ अल्लाह, वो कलर करते ना मट्टी गिरता ना सब, जब पाओ तो धूल मट्टी से भर जाता है। अच्छा, बताता हूँ आप लोगों को कि मैं किस कदर अंडा तलता हूँ ठीक है। आए देखो बाजू में रखा हुआ है, यहाँ ढूंढ रहा हूँ। सही में यार, आपने सो बोले ना किचन संभालने के लिए, तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला, मेरे को सामान ही नहीं मालूम कि कहाँ रखा हो। वही तो, एक काम करो, चलो तुम आके तल लो। क्या मैं तलूँ? जाने दो, मैं तलता हूँ, जाने। तो चलिए अंडा तलते हैं। और मेरा अंडा तलने का तरीका देखना, तुम्हारी ऐसा नहीं लबर लबर। हाँ चलेगा। पहले अपन क्या करेंगे, अंडा ना पहले तेल गर्म करेंगे अपन ठीक है। तवा रखा ना, तेल तो अपना तेल का वो भी आ गया। तो चले भाई अंडा एक एक करो ना सबके लिए। नहीं कहेंगे मसाले में अंडा है? कितने शाणे हैं। वो वाला अंडा अब्बा खाएंगे, अपन मस्त तला हुआ खाएंगे, क्योंकि कल अब्बा नहीं आए थे ना खाने के लिए। ऐसा अंडा तल लेंगे एकदम मस्त, कम तेल में होता है, कुछ कच्चा पक्का नहीं है। अरे भाई ये मारा पलटी, अरे कच्चा अंडा नहीं है यार, नहीं है। हाँ तुम अपना तल लेना भाई, तुम्हारे को नखरे आ रहे ठीक है। हाँ तुम अपने माशाल्लाह बरकत, तुम अपने माशाल्लाह बरकत वाले हाथों से तल लेना ठीक है। मैं अपने हाथों से तल के खा लेता हूँ। देखे कौन सी क्वालिटी का, तो फिर मैं अपने लिए एक ही तलूँ, अब्बा उस वाला खा लेंगे ठीक है। चलो भाई हो गया, बताओ। अब हमारी मैडम को नखरे आ रहे, इतना अच्छे से देखो गाइस, इतना प्यार करने वाला शौहर नसीब वालों को मिलता है। मैं बोला सोलह को अंडा बना के देता हूँ, बोलते तुम मत करो मैं अपने हाथ से तल लूँगी। तल ले दो, इसमें क्या मेरा टाइम बचेगा ना। अरे अल्लाह फातिमा शालो, ये क्या है? बैठ भी गए थे, बैठने वाला भी है। अल्लाह हू अकबर, पूरी एड़ भग गई यार इसकी तो। यहाँ पर अपने लिए तवा बनाने आ रहे हैं, यहाँ पे हमारी दाल भी गर्म हो चुकी है गाइस, तो देखते हैं आज सोलह अपने लिए कैसा अंडा फ्राई करते हैं। जरा हमारे YouTube की प्यारी प्यारी फैमिली को भी तो दिखाओ कि माशाल्लाह सोलह के हाथों में कितनी बरकतें हैं और कितना एक साथ में तेल लेके घिरते हैं किचन पे, है सॉरी तवे पे। अरे वाह क्या बात, मिर्ची मिर्ची सब डालेंगे। मैं सिंपल सादा इंसान बेचारा, अपना सिर्फ अंडा फेंट के नमक डाल के तलाओ बस, और इनको देखो मिर्ची कांदा ये वो, वाह रे वाह औरत। अच्छा बना बना बना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। और क्या बोलते हैं अपना, जो भी मन करे वो खाना चाहिए है ना। चलो चलो, तुम्हारा रात में क्या खाने का मन कर रहा है बोलो, लेकर आता हूँ मैं आज मेरी तरफ से, आज तुम्हारे तरफ से, मेरी तरफ से पार्टी। आज नहीं, कल मंगाऊंगी। कल क्यों? कल संडे है। क्या मंगाएंगे? क्या मंगाएंगे जो मेरी मनपसंद है? नाम तो लो, बोलो तो सही। फिश। हाँ फिश है, देखो फिश। सोलह को मच्छी फ्राई खाने का है भाई, ये देखो। तो भाई तल्ले तो सोलह को अंडा, और फातिमा हेलो गाड़ी से खेलो बेटा, बैठो गाड़ी पे। हाँ बैठ जाओ इसको देखो बांध दिया लगे मेरे बच्चे को, ए बंदे हुए बच्चे। हाँ अरे बाप रे बाप, लड़ लिए गाड़ी के लिए लोग ने। ये इसकी गाली है, ये इसकी गाली है, खेलो गाली पे खेलो। अरे बच्चा टाइम से कर दो। ये शाबाश भाई, यहाँ पर हमारा खाना निकल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए सोलिया का तला हुआ अंडा, और ये देखिए मेरा तला हुआ अंडा, दोनों में से कौन सा मस्त लग रहा है गाइस, एकदम चमका हुआ उजाला वाला, जरा कमेंट करके बताना ठीक है। तो है गाइस हमारा खाना वाला सब खा के हो गया, और देखिए हमारे गुलाम भाई गांव जाके आ गए हैं। अरे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह,
अरे माँ मेरी काम चालू है ना, इसलिए पूरा एरिया धुआं धुआं हो गया। और क्या बोलते हो गुलाम भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे वसीम बादशाह भी आ गए हैं भाई, खाना नहीं खाएगा तुमने? नहीं ना भाई। क्यों? हड़ताल है, भूख हड़ताल है। तो वसीम भाई को देखो, भूख हड़ताल है क्योंकि सुबह से भाभी गए थे दवा खाना, अभी आए हैं तो बेचारे ने खाना नहीं खाया अभी तक। किधर पे? हाँ भाई, चलो फिर से गुलाम भाई की तरफ तवज्जो करते। और गुलाम भाई कैसा रहा सफर? माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम तो लासूर बोल रहे थे यार। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। लातूर, लातूर बोल रहे थे? हाँ। तो कितने घंटे का सफर है भाई ये? 12 घंटे का? माँ कसम, ये गांव हो गया यार एक हिसाब से। और टिकट कितने की है? 900 रुपये आने जाने का। सलाम, खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मुलाकात हो जा रही है सबसे पहले। कहाँ से अभी यहाँ, कहाँ कहाँ से लेके जा रहा भाई? तो चलो भाई, पुरानी गली मार के जा रहे हैं। और गुलाम भाई तुम बोले नहीं यार कुछ, तो कैसा रहा सफर? माशाल्लाह एक नंबर। अच्छा, गांव में जब एंट्री मारे तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ सबसे पहले तो जोड़ा देखा काला हिरन का। ओहो माशाल्लाह, क्या बात है यार। देखा माशाल्लाह, तबीयत खुश हो गई यार। मेरे को आने का था तुम्हारे साथ, है घूमने लायक है, लेकिन बहुत सफर नहीं मिलता है। अच्छा, बाइक पैदल है ना? बाइक, बाइक दे दी तो पैदल कितना दूर दूर जाएंगे यार? अच्छा, बहुत दूर दूर है क्या? 70 किलोमीटर तो दूर वो है, क्या बोलते हैं, क्या मार्केट? अरे माँ कसम, इतना दूर दूर। सही भाई, एक गाड़ी लेना चाहिए अगर कहीं अपन गांव वगैरह जा रहे हैं ना, निकलने के लिए 30-35 किलोमीटर आना पड़ता है। एक गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी, जैसे औरंगाबाद भी जा रहे हैं या ओला कहीं भी जा रहे ना, तो एक गाड़ी लेना चाहिए। बहुत मज़ा आता है घूमने के लिए, वरना अकेला क्या बोलते? उनकी गाड़ी चाहिए पूरा बता, साइकिल, अरे टू व्हीलर, बाइक, एक्टिवा, कुछ भी। फोर व्हीलर ब्लॉग देखा कि नहीं आज का? तो कौन सी गली मार के लेके जा रहे हो वसीम भाई तुम? बचपन की गली है, अब नहीं चलती ना। ये हिंदी में क्या लिखा है गुलाम भाई? अरे सिर्फ गली गली है, घूमते रहो आप लोग गली गली। अरे जंगल में, तुम कल के ब्लॉग में देखना ना, घर बन रहा है। हेलो भाई, यहाँ पर फूल, ये कहाँ से निकला आप वसीम अपुर? यास्मीन हेल्थ केयर। ओ हो हो, क्या हो गया? तो भाई पता नहीं कहाँ निकल गए हम लोग। हाँ भाई, छोड़ दिया। ओ हो हो, इधर निकले अपुन, ओ फुल कचरे वाली जगह से लेके जा रहे हैं, फुल पानी घटा रही है वो। चलो अपने को एक नॉलेज मिल गया। हाँ तो अपने ओ हो हो, ये वाली गली यानी अर्शद भाई के साइड पे जा रहे गुलाम भाई अपुन, अब मालूम पड़ा मुझे। चलो अब्बा और सलमान यही हैं। चलिए, अरे माँ बंद है यार ये तो। अच्छा यहाँ है क्या? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और क्या बोलते हैं भाई, सब मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दिल को कलर हो रहा है। माशाल्लाह, मारो 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 भाई। तो गाइस देखिए, जो साइकिल पे अब्बा कलर मार रहे, कितनी मस्त लग रही है अब्बा तुम्हारी साइकिल, एक नंबर लग रही है। सलमान भाई, मैं सुना तुम दीवार पे मार रहे थे यार, मारो जरा बस, उसको मारो हमारी। देखो चलती फिरती दीवार को मारो, चलती फिरती दीवार, डर रहा है, डर रहा है, चलती फिरती दीवार को मारो। अरे गुलाम भाई देखो ना, एकदम ओ भाई, हम भी जान रहे चाय पीने के लिए। हाँ हम लोग जा रहे हैं अभी चाय पीने के लिए। चाय पियो, आ जाओ अम्बुजवाड़ी में। भैया मैं जा रहा हूं अम्बुजवाड़ी में, सॉरी आज नगर में। हां क्या बोल रहे अब्बा? परसों मैं दुबई जा रहा हूं। दुबई जा रहे सबके पैसे देने के लिए। तुम पहले गोंडा चिल्ला तो जाओ, गांव में नहीं जा रहे तुम, दुबई कहां से चले? नहीं, गांव जाएंगे तो पैसा खर्चा होएगा। अच्छा ऐसा है क्या? दुबई को फिर पकड़ में कौन लेके जा रहा है? दुबई जाऊंगा, वहां से पैसा लाऊंगा, फिर सबको दूंगा। अरे वाह, ऐसा है क्या? कौन देगा दुबई? दुबई से पगार मिलेगा। अच्छा रियाल मिलेगा, दुबई का रियाल मिलेगा अब्बा को। उधर ना शेख लोग किडनैप करके रख लेंगे। बोले अभी भी तो क्या बोल रहे हैं सलमान भाई, दे रहे क्या वसीम भाई को? मैं बोला इसके पेट पे मैं 10 फाड़ तू मार सलमान भाई को, फर्क नहीं पड़ेगा, मार दो, मार मैं एक मार। हां मेरा कद्दू, मार मार अबे सलमान भाई को नहीं फर्क पड़ेगा, मारे देख, मारना देखा सलमान भाई अपने पट्टे भाई, एकदम शूटर है। तो हम लोग गाइस, ये वाली नागरी
रजवी मिल्क एंड टी सेंटर, इधर पे आए हैं चाय पीने के लिए। टी मार में आए हैं, टी मार खड़े खड़े चाय पी रहे। कट करना पड़ेगा? नहीं कट करने, आवाज नहीं है रोड पे। अच्छा ऐसा है, अब्बा ने बवाल कर दिया। और ये देखिए सैन मैथो स्कूल में बन रही है। तो आ गए हमारी चाय, हम लोग पी रहे हैं चाय। तो बाहर खड़े थे हम लोग, अंदर आके बैठ गए हैं। अभी लोगों तो बैठने की जगह ही नहीं दी है तुमने। सामने भी कितनी बड़ी जगह है। तू जा अब्बा, तुम अगर पैसे नहीं देंगे ना तो वसीम को ना यहाँ पे बर्तन देना पड़ेगा, सामने सब सामान रेडी। चलो अब्बा अल्लाह हाफिज भाई, यहाँ से चलो, यहाँ से, यहाँ से ये वाली गली मार। हाँ ये वाली, अच्छा यहाँ सालन नहीं मिलेगा, सालन लेने का। तो गाइस हम लोग आए हैं अभी एक नवी वाली साइड पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और क्या बोलते हैं वसीम भाई, किसके वहाँ है अबुन? अपना हाफिज भाई, हाफिज भाई, अपने पुराने। ओ देखिए माशाल्लाह हाफिज भाई है। और ये देखिए हाफिज भाई का यहाँ पर काम चल रहा है, माला तीन माला बन रहा है। हाँ, अंदर फुल टाइल्स और दो फीट दीवार, दो फीट दीवार। तो यहाँ पर ही हम लोग कलर मारने हैं। बहुत टाइम लगेगा, बहुत 10 दिन है। नहीं भाई और ज़्यादा ही लगेगा, टाइल्स लगाने टाइम लगेगा ना। गुलाम भाई, तो गुलाम भाई हाफिज भाई को याद कर रहे थे? आ गए, देखो मुलाकात हो गई। अभी तो आए गाँव से सुबह में। हाँ यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर मैं यहाँ पे, अभी अब्बा को नहीं देने का काम, ये काम मैं लूँगा। हाफिज भाई डायरेक्ट मेरे कॉन्ट्रैक्ट में रहते। हाँ हाफिज भाई देखिए इंशाल्लाह, वो फारूक भाई के लड़के हैं, बाप ने या बेटे ने एक ही बात है। सही बात, बेटा ज़्यादा पैसा लेता है। और आगे कुछ? और आगे कुछ है, अपने हाफिज भाई बड़ा अच्छा घर बनाते हैं। बहुत दिनों के बाद इनका काम चालू है, माशाल्लाह अच्छा भी घर बनाते हैं। और हाउसिंग बोर्ड में, जो हाउसिंग बोर्ड में नहीं, कहीं पे भी, कहीं भी अपने एरिया में, कहीं पे भी पांच नंबर में भी काम किया। हाँ माशाल्लाह, उधर का रूम देखते थे ना तुम, बोलते थे तो कहीं पे भी बनाते, कहीं पे भी जहाँ मिल गया उधर। हाँ। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हाउसिंग बोर्ड में इनका थप्पा लगे, हर जगह पे बनाते। और फिर तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो हाफिज भाई को घर बनाने के लिए। घर अगर किसी को भी अपना घर वगैरह बनवाना हो, रिपेयरिंग भी काम होता है, हर एक काम होता है, मतलब रिपेयरिंग, टाइल्स लगाना है, तो हमसे कांटेक्ट करना, इंशाल्लाह हम हाफिज भाई से आप लोगों का कांटेक्ट करवा देंगे। आप लोगों को मैं अंदर से कुछ दिखा देता हूं। देखो यहां पर अंदर से काम चालू है अपना, माशाल्लाह यहां पर फुल टाइल्स है। और ये हमारे यहां पर दो लोग अधिक लोग काम कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, इधर देख के हाई कर दो कैमरे में। वो नाराज है भाई, नहीं देखे हम लोगों को। वो गुलाम भाई मिस्त्री भाई कैमरे में देख के हाई नहीं कर रहे यार। हंस रहे, हम किसी के हाई नहीं लेते। वो इस साइड से देख लो गाइस, बनेगा ना घर कभी, बना